हे गाइस, सो क्या आपने कभी ये सोचा है कि डॉक्टर जब कभी भी इंजेक्शन लगाते हैं तो उसके पहले वो इंजेक्शन को थोड़ा सा प्रेस करके ऊपर थोड़ी सी जो दवाई रहती है लिक्विड फॉर्म में उसको निकाल लेते हैं। तो डॉक्टर असल में ऐसा क्यों करते हैं? क्या वो जो हमारी मेडिकेशन है वो बर्बाद कर रहे हैं? गाइस, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। जो इंजेक्शन रहता है जब उसमें मेडिकेशन फिल करते हैं तो असल में होता यह है कि उस लिक्विड के अंदर ऐसा हो सकता है कि कोई बबल आ गया हो, तो जब वो थोड़ा सा लिक्विड को ऊपर से फ्लो कर देते हैं तो उसमें जितने बबल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। अब अगर ये बबल्स हमारी बॉडी में चले जाएँ तो ये बबल क्या क्या कर सकते हैं? अगर ये कहीं हार्ट में जाके किसी आर्टरी में रुक जाएंगे तो ये हार्ट अटैक कॉज कर सकते हैं। अगर ये ब्रेन में जाके कहीं रुक जाएंगे तो ये स्ट्रोक कॉज कर सकते हैं। और अगर किसी और भी दूसरी जगह पर बॉडी में कहीं पर भी जाके रुक जाएंगे तो ये इसकी वजह से और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम लोगों को डैमेज हो सकता है। इसलिए डॉक्टर्स जो रहते हैं वो इंजेक्शन को लगाने के पहले थोड़ा सा दबाते हैं और ऊपर का थोड़ा सा लिक्विड जो होता है उसे निकाल देते हैं।